और ये किसी फैन ने मुझे कोई पार्सल भेजा है, अब उसके अंदर देखते हैं कि क्या है। ये कमरे में क्या हो रहा है यार? ये देखे तो आपको मम्मा ने काजल लगाया, कितना प्यारा लग रहा है। मम्मा ऐसे क्यों देख रही है आप मुझे? माशाल्लाह से, माशाल्लाह से सही। अभी मैं भी आप लोग को बना के दिखाती हूँ, समोसे भी बनाती हूँ। अभी सफर करते हैं, टैलेंटेड बच्ची हूँ भाई मैं। स्टार्ट हो गया और हम लोग खा रहे हैं सैरी। आज का व्लॉग यहाँ से स्टार्ट होता है, तो व्लॉग को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दही जमाई और आज मम्मा सुहान को सिखा रही है सलाम करना। वैसे तो सुहान सीखा है, पर सुहान की आदत डलवा रही है। जुम्मा है आज, आप नमाज की तैयारी ऐसे बोलती है, नमाज ही नहीं पढ़ती। मतलब एक एक बात बोलूं, कहते हैं छोटी ईद कहलाती है जुम्मा। ईद बकरा ईद में इतनी तैयारी नहीं करनी चाहिए जितनी जुम्मे की करनी चाहिए। तो जुम्मे का अहतमाम होता है, एहतमाम होता है। उसके लिए बाकायदा उठो, गुसल करो, नाखून काटो, मतलब हर चीज का वो करना। अस्सलाम वालेकुम। नहीं बोलते, माशाल्लाह बोलते। हाय अल्लाह, मैं तो छोड़ देता है वो करना। मैं तो हम लोग नमाज पढ़ के बैठे हैं। कौन सा सिपाही चल रहा है आपका? अब तो शुरू की है हमने। कल तो टाइम ही था, कल शो था, आज तो शुरू करा। तुम्हारा कौन सा सिपाही चल रहा है? चलेगा अभी, चलेगा। कौन सा सिपाही चल रहा है? चल जाएगा अभी। पढ़ने नहीं बैठोगी? बैठ जाऊंगी मैंने अभी। तो हमारी दादी की जो है ना, क्या बोल, मम्मा ही कब का है? 50 साल का हुआ। 50 साल का दादी के जहेज का है ये। तुमने देखा दादी को कभी? बचपन में देखा था, लेकिन तो मुझे याद ही नहीं है। पिछली दादी थी हमारी बचपन में, उनको चुटकियाँ भर भर के भागती थी मैं। पर दादी थी तो कुराने पाक दादी है ना, बातें कुराने पाक के बात करेंगे। अभी कुराने पाक पढ़ रहे, तुम भी लेके बैठ जाओ शराफत से। हाँ अच्छा ठीक है। और ये सुहान के साथ क्या कर रहे हैं? प्याली फूफो, प्याली मम्मी। मेरा बच्चा, उसकी आंखें नहीं खुल रही। अम्मा इसको काजल क्यों लगाया? दादा ने बोला काजल लगा दे, मैंने काजल लगा दिया। चलो जा रहे, पर्स तो ले लो, पर्स पर्स। चलो बाय गाइस, टाटा। बाय बाय गाइस, टाटा टाटा। ओए जा रे, टाटा टाटा टाटा। और ये किसी फैन ने मुझे कोई पार्सल भेजा है, अब उसके अंदर देखते हैं कि क्या है। ये कमरे में क्या हो रहा है यार? ये देखे तो आपको मम्मा ने काजल लगाया, कितना प्यारा लग रहा है। नहीं करो, नहीं करो, ऐसे नहीं करो। सफिया भी देखने के लिए आई है। रोजा है सफिया का? सफिया का भी रोजा है? तो सफिया का भी रोजा रखते हो? मतलब हमारे रोजे नहीं, उसके अपने रोजे चल रहे हैं माशाल्लाह। तुम्हारे कितने रोजे हैं? अभी कब तक चलेंगे? खत्म होने वाले हैं। 9 दिन और है। उसके बाद तुम्हारी ईद की कौन सी डेट होगी? ज्यादा बड़ी जो होती है ना, वो 25 दिसंबर को होती है। बड़ी ईद जो होती है 25 दिसंबर को होती है। तो फाइनली ये खुल गया, इसके अंदर क्या है? नान कटाइया है, पसंदीदा चीजें। ये थैंक यू सो मच जो भी मेरे फैन जिन्होंने ये भेजी है। ओ ये गिरेगी अम्मा, गिरेगी। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। ये यार जहान को भी रोजा रखा, ये क्यों रोजा रख रहा है? जो बड़ा वाला बॉक्स है वो दे रहा उसको। ये एक बहुत खास इंसान ने भिजवाई है। इसका शेर नहीं बनाना आता मुझे, पता नहीं क्यों। मैं सोच रही हूं अच्छे बनाती हूं, मैं सोच रही हूं चली जाऊं ये खड़े में, इनको देखा तो तू दे आना यार। रोल भी बनवा ले और समोसे भी। हाँ तो कल मैं कह रही थी मैं चली जाती हूँ, मुझे बता दे कहाँ ले। लेकिन ये है कि उनके सामने खड़ा रहना पड़ेगा। नहीं नहीं वो। और ये मेरे रोल रेडी हो चुके हैं जो कि मैंने बना लिए हैं, और इन लोग के समोसे अभी तक रेडी हो रहे हैं, लेकिन मैंने अकेली बंदी ने इतने सारे रोल रेडी कर दिए हैं। मैं ऐसे क्यों देख रही है आप मुझे? हाँ समोसे और रोल। माशाल्लाह से, माशाल्लाह से सही। अभी मैं भी आप लोग को बना के दिखाती हूँ, समोसे भी बनाती हूँ। अभी सफर करते हैं, टैलेंटेड बच्ची हूँ भाई मैं। जिंदगी में पहली बार मेरे पास आने की जो है ना कर रहा होगा, लेकिन मैंने लेने वाली इसको। सॉरी, हम नीचे काम कर रहे हैं बाबा।
और हमने नीचे जाके कड़ी पत्ता मैंने धो लिया है। वो रहा ये रहा हमारा अपना कड़ी पत्ता, इसको वॉश करेंगे और स्पैगेटी में डालेंगे। बाहर ये पान की वजह से रखना पड़ता है, वरना तो हाँ हमारा बाहर निकल जाता है सीढ़ियों पर। तो भाई मुझे ना मोबाइल यहीं पर कहीं सेट करना पड़ेगा। चलो हमारा इतना छोटा हो गया ना कि बस आप लोग को क्या बताऊँ मैं। ये सबसे पहले हम डाल देंगे कड़ी पत्ता, उसके बाद हम उसके अंदर डाल देंगे थोड़ा सा जीरा, और इसके बाद हम डालेंगे चिकन। की मम्मा बहुत अलग रखती है, कहती है कम से कम डालो बचत करो महंगाई हो गई है। और अभी हम उसको थोड़ा सा भून रहे हैं। अब हम इसके ऊपर जो डालेंगे वो हम आपको हाथ हरी मिर्ची और लहसुन पीस है तो हम बहुत इसके ऊपर डालेंगे। और अब इसकी खुशबू आप लोगों को तो नहीं आएगी जब मुझे आएगी। अम्मा पूरा डालेंगे मटर भी डाल दूँगी। अब मैं इसके साथ डाल दूँगी मटर, ताकि जो मेरे मटर है ना वो हैंड टू हैंड गल जाए, वरना मटर गलते नहीं। मैं डाल दूँगी मटर, नहीं ज़रूरत। और इतनी मज़े की कोई खुशबू आ रही है आपको तो पता भी नज़र आ रही है। मैं इसके अंदर कोई लाल मिर्च कोई कुटी हुई मिर्च कुछ भी नहीं डालती, क्योंकि ये चाइनीज फूड है एक तरह से, जो सिर्फ इसके अंदर जो है ना चाइनीज सॉल्ट का इस्तेमाल होता है और काली मिर्च का इस्तेमाल होता है। अब मैं इसके अंदर डालूँगी काली मिर्च, ब्लैक पेपर भी बहुत अच्छी ज़रूरत डालना है बस। अच्छा सेजा सोया सॉस और चिल्ली सॉस, ये सब कुछ जो है ना हम लोग डालते हैं स्पैगेटी डालने के बाद। अगर पकने में डालेंगे तो उसका वो कोई टेस्ट ही नहीं रहेगा, सब कुछ मिक्स हो जाएगा। सब्जी हमने सब काट के कपड़े में रख दी थी, गाजर भी डाल दिया है मैंने। उसके बाद हम डालेंगे, दो मिनट बाद हम शिमला मिर्च डालेंगे, पूरे दो मिनट बाद। दो मिनट हो चुके हैं और हम डालेंगे शिमला मिर्च, और हम अपने हिसाब से डालेंगे। जो कि मैंने डाल लिया है, ये दो ढक्कन के करीब है, मतलब दो प्याज उसके ऊपर है। और अब हम पकड़ लेंगे यहाँ से यूं और इसको मिलाना स्टार्ट कर देंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये जला दिए हैं इन्होंने और हमारे साथ जुड़े रहिए। और हमारा तो जला हुआ समोसा बांटने में क्यों डाला है, सही वाला डालो उसके अंदर, वो जल गया हो जाते हैं समोसे काबू में। अपना रोड पे से जा रहे हैं, लोग हमें देख रहे हैं, मुझे लग रहा है ऐसे रोड पे इतना आम कोई नहीं घूमता है स्टार लेके। हमने पहले लोगों क्यों नहीं बांटी थी, क्योंकि घूम के एम शो चली गई, बांटी थी हमने, ज़्यादा लोगों को नहीं बांटी थी। जिम वाले के पास आ गई ना तो बस और मोटी हो गई। कर दो, कब आओगी दोबारा? अरे हाँ रिजा का बूट कैंप स्टार्ट हो गया, उसमें क्या होता है? उसमें वेट लॉस करवाते हैं हम 8 से 10 kg। 8 से 10 kg वेट लॉस, आप लोग को ज्वाइन करना था, आप लोग रिजा को ज्वाइन कर सकते हैं। और ये गारंटी के साथ करवाते हैं, गारंटी के साथ करवाते हैं। हाँ डाइट प्लान भी बताएंगे आपको, वर्कआउट करवाएंगे। लगे तुम? हाँ कब लग रही है भाई, कब हो गई पतली? पूरे ज्यादा
अल्लाह। तो भाई एक घर की सारी डन हो गई, अब दूसरे घर जाना, फिर तीसरे घर जाना, फिर चौथे घर जाना। डाइटिंग भी यहीं से स्टार्ट हो गई मेरी तो। मुझे थोड़ा थोड़ा सा रो रहा था, मैंने कुछ खाया भी नहीं था सहरी में, क्योंकि मम्मा ने सला दिया था सहरी उठने के बाद किसका दिल चाहता आधा ही पराठा खाया मैंने। दूसरी सही जगह जा रहा था ना, तो मेरा टांगे दुख गई है देख लेके। दूसरी पतले होंगे पक्का डाइट। दिया हमारा किस्सा करें कि शायद अफ्तारी करनी है। आंटी बोलती हूँ ब्लॉग शॉप से देखते हैं, मगर हम कभी आए नहीं क्योंकि हमारे सामने ही सब कुछ हो रहा होता है। रोजा खुल चुका है और बहुत हफड़ा तफड़ी चल रही, बहुत जल्दी जल्दी में बहुत प्यास लग रही है। मुझे वो देना तरबूज, एक खाना था तरबूज, उसका दिल चाह रहा था बहुत। और ये घर का बना हुआ दही का रायता है और ये घर के बने हुए रोल हैं जो कि मैं आपको टेस्ट कर रही हूँ। पकौड़ा में नमक सही था ना, नमक में एक्सपर्ट हो गया मैं। और ये हमारे पड़ोसी के घर से आया दाल के पकौड़े, आपको पसंद है ना? मैं दाल की मूवी देख रही हूं। रोजा खुल चुका है, सब ने नमाज भी पढ़ ली है और अम्मा मोबाइल में लगी हुई है और बाबा ने आवाज तेज कर दी है और अब हम लोग पियेंगे चाय। और आज का ब्लॉग यहाँ पर एंड करती हूँ। आई होप कि आप लोगों को आज का ब्लॉग तो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, तो इसको लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेगा। और आज वहाँ काजल लगा के बहुत प्यारा लग रहा है और नान खटाइयाँ जो आई हैं वो मैं कैसे ऐसे खा सकती हूँ तो मैं दिखाऊँगी ना आप लोगों। मक्खियाँ कैसे आ गई, मक्खियाँ कैसे आ गई? सोन होगा भी बहुत स्पेशल इंसान ने भेजा था और इसमें खजूरे डाल दी हमने खाकर और अब नान खटाइयाँ खाएंगे। और ये है नान खटाइयाँ, ब्लॉग एंड हो चुका है लेकिन आप इधर से जा छोड़ दो काम। बादाम को आता है बट असली क्या बनवा।